हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और आप सभी को होली का दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उन सभी को दिल से मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी इतना सारा प्यार देने के लिए। एंड या सो गाइस, जैसे कि आपको पता है मैं हूँ यूएई में अपने हस्बैंड के साथ। सो यहाँ पे मतलब एज यू नो फैमिली नहीं है यहाँ पे, और मैं अपनी फैमिली के साथ होली तो इतने अच्छे से मनाती थी। हम लोग इतने सारे स्नैक्स बना के खाते थे, डांस करते थे, खूब इंजॉय करते थे। बट डोंट वरी, माय हस्बैंड इज़ हेयर। अभी तो खैर वो काम में जा रहे हैं, कॉल्स हेयर, इट्स अ वर्किंग डे। सो आज की शुरुआत पहले हम करेंगे एक कप कॉफ़ी से, फिर उसके बाद साफ़ सफाई वगैरह करके मोस्ट इम्पॉर्टेंट होली में हम सब क्या खाते हैं? गुजिया। और गुजिया के बगैर होली आधी अधूरी रहती है, राइट? सो मैं बनाऊंगी गुजिया जो कि सूजी मावा के साथ बनाया जाता है। और मेरे को ना एक्चुअली मैं गई थी कल मार्केट, मैंने सब जगह एक्सप्लोर करा, यहाँ पे जो सुपर मार्केट्स है, लुलू मार्केट, डे टू डे। सो आई डिंट गॉट दैट गुजिया वाला मोल्ड। सो बिना गुजिया वाले मोल्ड से आई विल मेक गुजिया, बट तो अभी जो दिन की शुरुआत करूँगी मैं एज़ यू नो क्लीनिंग से करूँगी, और फिर उसके बाद खाना पीना करेंगे एंड उसके बाद हम बनाएंगे गुजिया। सो होली का दहन क्या होता है वो अभी आगे वीडियो में देखेगा। और प्लीज़ गाइस, अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जाके करिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ जाके लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और प्लीज़ कमेंट डाउन करिएगा। और आप सभी को दिल से एक और बार हैप्पी होली एंड हैप्पी होली का दहन। The festival is primarily associated with the triumph of good over evil and the victory of devotion over wickedness. It is believed that the bonfires that are lit on this day represent the burning of the demons Holika, who was killed while trying to kill Prahlad, a devotee of Lord Vishnu. So guys, जैसे कि आपने देखा होली का दहन कैसे मनाते हैं और होली का दहन इसको क्यों कहा जाता है, तो मैं जैसे नहा धो के रेडी हो गई हूँ, रेडी मतलब नहा धो के फ्रेश वगैरह हो गई हूँ और पूजा भी कर लिया है मैंने, तो अब मैं दिन की शुरुआत करूँगी एक कप कॉफ़ी से एंड उसके साथ मैं कुछ लूँगी बिस्किट एंड एनीथिंग, फिर उसके बाद आई विल डू माई ब्रेकफास्ट और फिर बनाएंगे हम गुजिया। सो गाइस, मैं बना रही हूँ कॉफ़ी, जैसे कि मैंने आपको बताया डेविडॉफ। मैं आजकल इतनी ज़्यादा फ़ैन हो रखी हूँ ना इस कॉफ़ी की। अगर आपने कॉफ़ी को ट्राई किया है प्लीज़ डू कमेंट डाउन। और जब से मैं दुबई आई हूँ आई एम इन लव विद दिस, इट्स लाइक अ सेवियर फॉर मी। सो चलो गाइस, शुरुआत करते हैं आज के दिन की एक कप कॉफ़ी से। जब से आई हूँ मेरे को एक अलग ही शौक चढ़ चुका है इसका, इस स्नैक्स का, विच इज़ सो गुड। मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकती इतना टेस्टी होता है गाइस। और जिसको खजूर पसंद है तो उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। गाइस चलिए चलते हैं गुजिया की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया है मावा, तो मावा को थोड़ी देर के लिए भूनना है और उसको एक साइड में रख देना है। फिर आपको एक पैन लेना है जिसमें ऑयल हीट करना है और उसमें सेमोलिना मतलब सूजी डाल देना है, उसको तब तक डालना है जब तक ब्राउन नहीं होता। उसमें मैंने सनफ्लावर सीड्स और इलायची और ग्रेटेड कोकोनट डाल दिए। देखिए जैसे कि ये मेरा रोस्ट हो चुका है, रूम टेम्परेचर में आ चुका है, तो मैंने चीनी और मावा डाल दिया। ये है डो के लिए, इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ सॉल्ट, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं ऑयल या घी मॉइन करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, ये जो मेरा डो है बहुत ही अच्छे से
बन गया है गुजिया के लिए। और यहाँ पे मैं गीले कपड़े से ढकूँगी और यहाँ पे मैं बना रही हूँ गुजिया के लिए गोले बना रही हूँ ऐसे, और उसको अच्छे से मैं बेलूँगी। और इसको लेयर जो है ना ही ज़्यादा मोटा करना है ना ही पतला, तो यहाँ पे मैं कोने कोने में पानी लगा के साइड में ताकि बहुत अच्छी तरीके से बंद हो जाए। और मेरे पास गुजिया मोल्ड नहीं है तो मैं फोर्क के हेल्प से उसको अच्छे से शेप दूँगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। जो है गरम हो चुका है और यहाँ पे मैं गुजिया फ्राई कर रही हूँ। गुजिया को तब तक फ्राई करना है जब तक वो थोड़े से गोल्डन कलर में नहीं आए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी गुजिया बन चुकी है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, टेम्पटिंग लग रही है। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको दिखाया मेरी गुजिया बन चुकी है, बट इधर बैक एक और ये ऐसा शोल्डर पेन ऐसा हो रहा है, दर्द हो रहा है, बिकॉज बहुत टाइम के बाद मैंने बनाया है और अकेले बनाया है, बिकॉज अभी हस्बैंड अब आने वाले हैं ऑफिस से। एंड असल में ये है कि लास्ट टाइम जो मैंने बनाया था गुजिया, वहाँ पे मेरे मदर इन लॉ थे, मतलब जब व्हेन आई वाज इन इंडिया। और फिर उससे पहले मम्मी के यहाँ होती थी तो मम्मी की हेल्प करती थी मैं और मम्मी मेरी हेल्प करते थे। सो अभी इधर कोई नहीं है इन UAE, so I'm here with my husband. So yeah, और अभी अपडेट ये है कि शाम को हम लोग करेंगे पूजा, एक दूसरे को लगाएंगे टीका और भोग लगाएंगे और फिर मैं अपनी गुजिया चखूँगी। सो गाइस, पूजा कर ली है, पूजा मैंने नहीं करी, मेरे हस्बैंड ने करी है। और अभी रिव्यू जानते हैं कि गुजिया कैसा बना है। ठीक है, इज मी माय पति देव, हाउस गुजिया? अच्छा है, एक्सीलेंट। अच्छा है, परफेक्ट। हाँ, और मटरी कैसा लगा? अच्छा है। गाइस, ये था मेरा आज का व्लॉग। और जैसे कि होली का दहन क्या है वो आपको पहले मैंने बता दिया है। और प्लीज़ गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके कीजिए गाइस। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू।